हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इसराइल एट वॉर एज हमास अटैक लीव 200 डेड। तो हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा पहले हमास कौन सा जगह है। आप ये देख रहे हैं, ये इसराइल का अपना मैप है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, ये अपना डेड सी रहा अपना, और ये जो गाज़ा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, गाज़ा पट्टी, गाज़ा सिटी, इसी की गवर्निंग बॉडी आपकी हमास है। तो यहाँ से अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर। तो देखते हैं आगे और क्या है ये इंसिडेंट। देखिए, एटलीस्ट 198 पेलिस्टीनियंस किल्ड इन रिट्रेटरी एयर स्ट्राइक्स, ठीक है। पेलिस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप हमास, तो ये हमास है, आपको लोकेशन पता चल गया है, लॉन्च द बिगेस्ट अटैक ऑन इसराइल इन ईयर ऑन सैटरडे, किलिंग एटलीस्ट 200 पीपल एंड क्लेमिंग इट हैड टेकन डजन ऑफ हॉस्टेजेस इन दी सरप्राइज असॉल्ट कंबाइनिंग गनमैन क्रॉसिंग इन टू इसराइल एंड बैरेज ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम गाजा। तो आप देखें, यहाँ से गनमैन आए हैं, यहाँ से रॉकेट आए हैं, यहाँ से और भी सारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। मोर देन 1,000 पीपल हैव बीन वुंडेड, 1,000 से ज़्यादा लोगों को चोट लगी है। इसराइल रेस्क्यू सर्विस जाका सेड, वहाँ की रेस्क्यू सर्विस जाका है इसराइल की, उन्होंने ये चीज़ बताई है। और यूटर्स फोटोग्राफर सॉ मल्टीपल बॉडीज लाइंग इन द स्ट्रीट ऑफ द सदर्न टाउन ऑफ द सेडरॉट। इसराइल सेड द ईरान बैक्ड ग्रुप हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर एज इट्स आर्मी कन्फर्म्ड फाइटिंग विथ मिलिटेंट्स इन सेवरल इजरायली टाउन एंड मिलिट्री बेस नियर गाजा। तो आप देखिए, गाजा के पास ये सारी लड़ाइयाँ चल रही है। एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉव्ड टू रिटेलिएट, तो उन्होंने बोला कि हम अच्छे से रिटेलिएट करेंगे, आवर एनिमी विल पे अ प्राइज द टाइप ऑफ विच इट हैज़ नेवर नोन, ही सेड। तो ये खुला चैलेंज नेतन्याहू जी ने दे दिया है, वी आर इन अ वॉर एंड वी विल विन इट, हम वॉर में हैं और हम इसको जीतेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या है। द इजरायली मिलिट्री सेड इट हैड रिस्पॉन्डेड विथ एयर स्ट्राइक इन टू गाजा, तो बोला है कि एयर स्ट्राइक किया इन्होंने गाजा में, वेयर विटनेस रिपोर्टेड हियरिंग हैवी एक्सप्लोजन एंड मल्टीपल डेड एंड वाउंडेड बीइंग कैरिड इन टू हॉस्पिटल्स। द इजरायलीज मिलिट्री सेड नेवी फोर्सेस किल्ड डजन ऑफ द मिलिटेंट ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इजराइल बाय सी, तो जो सी से आ रहे थे उनको भी मारा है। एटलीस्ट 198 पीपल इन द गाजा स्ट्रिप हैव बीन किल्ड एंड एटलीस्ट 1,610 वाउंडेड इन इजराइल्स रिटेलिएशन। तो देखिए, इतने लोग अभी वाउंडेड है और इतने लोग अभी मर चुके हैं, द पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड, तो उन्होंने ये बात बताया है। हमास डेप्टी चीफ सलेह अल अरोरी टोल्ड अल जजीरा को इन्होंने क्या बोला है, दैट द ग्रुप वॉज होल्डिंग अ बिग नंबर ऑफ इजराइलीज कैप्टिविटीज इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिशियल्स, ही सेड हमास हैड इनफ कैप्टिव्स टू मेक इसराइल फ्री ऑल पैलेस्टीनियन इन इट्स जेल। तो इनके पास इतने कैप्टिव्स हो गए हैं कि इतने लोग हो गए हैं कि अब ये अपने डिमांड के ऊपर इसराइलिस से अपने लोगों को छुड़वा सकते हैं। हमास सेड द अटैक वॉज ड्रिवन बाय वॉट इट्स सेड वर इसराइलिस एस्केलेटेड अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक जेरूसलेम। अब देखिए, जेरूसलेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये वेस्ट बैंक है, आप देखिए जेरूसलेम है, ये इसराइल का कैपिटल भी है, पर कई सारी कंट्रीज इसको नहीं मानती है। तो आप देखिए, टेल अवीव जो है, यहाँ पे इनके एम्बेसीज है। तो जेरूसलेम के बाद जो सबसे बड़ा सिटी है वो आपका टेल अवीव है। तो गाजा, यहाँ पे आपके हमास के लोगों ने बोला है कि ये पैलेस्टीन में यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस आपके यहाँ पे अटैक कर रहे थे, उसके वजह से हमने रिटेलिएट में ये अटैक किया इसराइल के ऊपर। देखिए, पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक का लोकेशन बता दिया, जेरूसलेम एंड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन इन दी इसराइल प्रिजन, और जो प्रिजन में लोगों के साथ वो लोग हरकत कर रहे हैं गलत। इसराइल एट वॉर एज हमास अटैक लीव 200 डेड, वही कंटिन्यूएशन है उसका। दिस इज द डे ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल टू द एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ, हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ सेड, अनाउंसिंग द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ हमास मीडिया एंड कॉलिंग ऑन पैलेस्टीनियन एवरीवेयर टू फाइट। तो वहाँ पे साफ इन्होंने बोला है, जो पैलेस्टीनियन है वो हमारे साथ है और वो लोग आओ और लड़ो। द अटैक मार्क द अनप्रेसिडेंटेड इन्फिल्ट्रेशन इन टू इसराइल बाय एन अननोन नंबर ऑफ हमास गनमैन क्रॉसिंग फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए, ये आपका गाजा स्ट्रिप है, यहाँ से अननोन नंबर ऑफ गनमैन इसराइल में इन्फिल्ट्रेट किए। इन ये रीज़न क्या दे रहे हैं कि वेस्ट बैंक के ऊपर जो इसराइल अपनी हरकतें कर रहा है, वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा है, ये वेस्ट बैंक आ गया आपका, ये जेरूसलेम आ गया, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पर जो इसराइल की हरकतें है उसको रिटेलिएट हमने किया यहाँ। तो सिंपल सी बात ये है, और ये रहा आपका टेल अवीव, ठीक है। अब देखिए,
And the heaviest blow for Israel in the conflict was Palestinian since the suicide bombing of the second intifada some 2 decades ago. तो आप देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले तो एक ही आप देखिए लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहले लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है. सेकेंड इंडियन स्टांस क्या है, ठीक है. थर्ड इसका ओरिजिन क्या है. मैं आपके लिए ओरिजिन के ऊपर एक ये लड़ाई मतलब ये जो वॉर का ओरिजिन है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. वर्ल्ड वॉर के टाइम से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है कि आज इस लेवल पर यहाँ पर चीज़ें पहुँची हैं. तो ओरिजिन हो गया और आप देखिए फोर्थ हमारे लिए बस इस आर्टिकल में इतना ही. और इंडिया किसका साथ दे रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है, किसके साथ इंडिया खड़ा है. और ये हमारे लिए वैसे इसराइल के साथ खड़ा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. और तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है. सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.